वाइस प्रमोद आगे बताओ। एक ऐसा जुलूम होना चाहिए
इस मुहिम के माध्यम से अपने आप भर सकता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री मेरे पिता थे, आपने बहुत कुछ के बारे में जाना। अभी आपने चलचित्र भी देखा तो मूवी दिखाई, चित्र भी देखा। जैसा कि आप सब जानते हैं और खासतौर से मैं छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि उनका जन्म बाल नसल जो हुआ, लेकिन उनके पिता यानी मेरे दादा जब मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की उम्र केवल 1 वर्ष की थी। मतलब वो बिना पिता के बच्चे थे और पालन पोषण मेरी दादी ने किया। लेकिन वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और भी जवाहरलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी फैसले से हिस्सा लिया और बहुत बड़े नेता थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद आधुनिक भारत का निर्माण किया। ऐसे व्यक्ति का सक्सेसर उनका बिहारी ढूंढना बहुत आसान नहीं था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के बाद ये प्रमाणित कर दिया, देशवासियों के बीच जाकर साबित कर दिया कि जिस जिम्मेदारी को जिसके लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था उसको उन्होंने पाया। और वो केवल इसलिए क्योंकि शास्त्री जी ने जैसा कि नागरिक ने देखा वो अपना लक्ष्य तय कर दे, भूल तय कर दे। और देखिए अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आपको भी अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने एक लक्ष्य दिया देश को, देश को आजाद करना है। उसने सारे देशवासियों को एक कर दिया, सारे रीजन्स को जहाँ जहाँ अलग अलग विभिन्न राज्यों के लोगों को सबको एक किया, सबको एक लक्ष्य रख दिया था कि देश को आजाद करना है। गांधी जी भी अपना लक्ष्य तय करते थे, मुझे आज दिन क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, एक महीने बाद क्या करना है, एक साल के बाद। तो अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना लक्ष्य तय करें। और लक्ष्य जो है वो 5 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, एक बल्कि मैं समझता हूँ कि सुबह उसके समय आपको तय करना चाहिए। अगर आप अपना लक्ष्य तय करें तो अपने आप कटिबद्धता आएगी, आपने कमिटमेंट के साथ वो लक्ष्य पूरा करने के लिए काम करेंगे और आपको समझना चाहिए। अभी जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि एक छात्रा है अनीशा ने मेरे पैर छोड़े मुझे आशीर्वाद देने के बाद। फिर मैंने देखा कि दो चार और लड़कियाँ आई वो फोटो भी पाना चाहती थी, उन्होंने मेरे पैर छोड़े और अच्छा लगा मुझे। और मुझे इसी संदर्भ में मुझे अपने पिता दादा शास्त्री की बात याद आई। बात वास्तव में किसी जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे और मैं स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता था, एक दिन मेरे पिता लाल बहादुर शास्त्री ने मुझे बुलाया रात में कहीं 9:30 बजे। और मैं जब देखे हैं मुझे आपसे कुछ बात करते हैं, देखो थोड़ा सा नाराज होते थे तो आप तक के बात करते, मुझे आपसे कुछ मेरी माँ से जो आप करते थे तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी माँ से जोर लगा। तो उन्होंने कहा कि आपसे बात करनी है, तो मैंने कहा बताइए। उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा है कि जब आप बड़ों के पैर छूते हैं जैसे त्यौहार के मौके पे या आप पास होके आते हैं या शहर के बाहर जाते हैं, शहर वापिस आते हैं, घर आते हैं, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ सब ये हमारे देश में ये बड़ी पार्टी परंपरा है, बड़ों के पैर छू जाते हैं त्यौहार के दिन। उन्होंने कहा कि अरे मैंने देखा है कि आप जब बड़ों के पैर छूते हैं तो आपके हाथ जो है पैर तक नहीं जाते, आपके हाथ केवल घुटने तक जाते। तो मैं क्या मानने वाला था, जैसे मैंने कहा मैंने 11वीं कक्षा में था, मैं कह नहीं ऐसा नहीं है, ये बात आपने मेरे भाइयों में देखी होगी, कभी आपने मेरे भाइयों में देखी होगी। तो उन्होंने फिर नाराज नहीं हुए, हमसे आर्ग्यू करवा रहा था, बहस करवा रहा था, नहीं मेरे भाइयों में तो ठीक से झुका हूँ। तो उन्होंने कहा एक बार आप खड़े होंगे बताओ, और मेरे देखते देखते बड़े आदर सम्मान इज्जत के साथ
तब तक उन्होंने मेरे पैर छोड़े और मेरा पैर छोड़कर उन्होंने कहा कि बेटे आने अगर इसी तरह आप पैर छोड़ते रहे हैं तो हो सकता है मेरे देखने में कोई गलती हो, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मैंने आपको जो तरीका बताया है उसको अपने जीवन में हमेशा तैयार मानने के लिए आप हमेशा चल रहे। मेरे आंखों में आंसू तक होने लगा, मैंने तो आपको डांटा भी नहीं, पीटा नहीं, लोगों ने मैंने कहा आप अगर डांट लेते हुए तमाचा लगा देते तो मैं नहीं रोका, लेकिन आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दिया है मेरी गलती पर कि मैं जिंदगी के भर इसको नहीं भूलूंगा। और इसके बाद जब भी मैं अपने बड़ों का पैर छूता रहा हूँ और आज भी अगर छूटता हूँ तो मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल बेहतर जाते हैं, भूलने लगे जाते हैं। और मैंने यही अपने बच्चों को भी सिखाया, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बात बताए बताए बगैर आपको कोई नहीं पता शादी की गई किस्सा जो एक बेटे और पिता के बीच हुई। लेकिन जिस तरह से यहाँ की छात्राओं ने झुक मेरे पैर छुए, मैं मुझे एकदम शादी की याद आ गई, उन्होंने ये जो संस्कृति जो परंपरा इंपीरियल कॉलेज में देखने को मिली ये बहुत कम कॉलेजों में, कई कॉलेजों में जाता हूँ, कई स्कूल में जाता हूँ। आप इस परंपरा का पालन करके लाल बहादुर शास्त्री को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक कार्यक्रम होते रहते हैं शास्त्री से भी बनती है, लेकिन शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पर उनके पथ पर चलने पर जितनी बड़ी श्रद्धांजलि दी जा सकती है वो ये फिल्म दिखाने या उनके ऊपर गाना गाने से, उनपे कविता करने से भी उससे भी होती है, उससे भी होती है। लेकिन शास्त्री जी ने ये तो और बड़े हमारे नेता महात्मा गांधी ने जो बताया, जो सिखलाया, आज उसका अगर पालन किया गया वो अपने आप में उनको सही माने में सिखाने। तो ये एक ऐसी बात है जो हमारे देश की जो परंपरा है, हमारा जो परिवार की जो संस्कृति है, जो परिपाटी है, इसको अगर हम निभाते रहें तो इससे भी हमें जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा प्रयास करें, मेरे दास्त सकीन फिर से मैं अपने छात्र छात्राओं से कह रहा हूँ, मैंने कहा अपने छात्र छात्राओं से जो बीरज बोले के छात्र छात्राओं को मैं आज के बाद अपने ही मानता हूँ। तो आप लोग अपने हैं तो अपने छात्र छात्राओं से अगर मैं कह रहा हूँ तो ये देखेंगे जो भी आप काम करें वो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में यू शुड डू इट विद अ डिफरेंस, जो दूसरे लोग करते हैं वही आप करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों से अलग हटकर भिन्न तरीके से अगर आप बात करें। लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष 19 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज उनको देश याद करता है, उनका नारा जय जवान जय किसान आज देश में गूंजता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिससे उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज से 4-5 साल पहले मैं और मेरे 25-25 साल की पाकिस्तान गए थे और मुझे इस बात का ताजुब हुआ कि इतनी इज्जत वहाँ लाल बहादुर शास्त्री करते हैं। यहाँ तक जब उनको पता चल गया एक टीवी इंटरव्यू के माध्यम से कि मैं लाल बहादुर शास्त्री का पुत्र हूँ, तो हम लोग हमेरा आप पूछ सकते हैं मधु शास्त्री में चढ़ सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था, लोग पहचानते थे और कहते लाल बहादुर शास्त्री मेरे से फोटो खिंचवाना चाहते थे, फोटो खींचते दुकानदार में जाता था, मैं हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के पैसे नहीं देते थे। तो मैंने चलते समय मैं कहीं 3 दिन के लिए गया था, लेकिन वहाँ का जो मैंने देखा जिस तरह से जो शास्त्री जी के प्रति इज्जत और मैं भी एक तरह से एक सेलिब्रिटी हो गया था पाकिस्तान में। तो मैंने पूछा अंत में कुछ लोगों से कि मैंने कहा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लड़ाई लड़ी थी आपके खिलाफ, लेकिन आया तो मैं देखता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी की बड़ी इज्जत है, यानी क्या बात है। तो उनके 2-3 बातें बताई, उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात कि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ जिसका प्रधानमंत्री जब उसका निधन होता है तो उसके ऊपर कर्ज होता है, उसके पास गाड़ी बंगला या कोई महल नहीं होता। इसकी शास्त्री जी की ईमानदारी, पाकिस्तान में अगर 5 नेता भी ऐसे हो जाए तो आज पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा देश हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि
लाल बहादुर शास्त्री शांति के पुकारे थे, उन्होंने जरूर लड़ाई लड़ी। लड़ाई उन्होंने शुरू नहीं की, लड़ाई पाकिस्तान ने छोड़ के हम इस बात को जानते हैं, और पाकिस्तान लड़ाई की तो उन्होंने आपके यहाँ जो गीता का अध्याय है जिसमें सिखाया जाता है, जिसमें भगवान अर्जुन ने कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर जब अर्जुन ने हथियार को छोड़ दिए तो उनको समझाया कि अगर आपको अपने फर्ज को निभाने के लिए इतने हथियार उठाना पड़ेगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने अगर अपने सेना अध्यक्षों को, अपने वायु सेना अध्यक्षों को आदेश दिया कि आप लाहौर में जाकर पाठ बोलें, तो उन्होंने वही किया जो गीता के अध्ययन भगवान अर्जुन को, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो ये बात भी उनको पता थी कि शास्त्री जी ने ये लड़ाई कर लगी थी। और इसके बाद वो कहते थे कि शास्त्री जी की शादी, वो कहते थे कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति हो जाता है उसके मतलब तौर तरीके अलग हो जाते हैं, लेकिन शास्त्री जी का कैसा था कि वो हम देखते हैं इतने ईमानदार और उतने सादा जीवन व्यतीत करते हैं। इसी शास्त्र में भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता शास्त्री जी बड़े व्यवहारिक थे, बड़े प्रैक्टिकल भी थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो एक अमरीकी संवाददाता ने उनसे ये पूछा, कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन आप जो है बिल्कुल सादा कपड़ा कपड़े पहनते हैं, खादी का कुर्ता खादी की धोती, लेकिन मैंने आपके बच्चों को देखा है कि वो तो ट्राउजर्स में रहते हैं, पैंट में रहते हैं, शर्ट में रहते हैं, टी शर्ट में रहते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं सिखलाते कि वो भी इस शादी का पहनाना है। तो साथियों ने जवाब दिया कि मेरे पिता एक गरीब स्कूल अध्यापक थे लेकिन इनके पिता जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो परिवर्तन आया है समय के साथ। मैं छात्र सरकार से कहना चाहूँगा कि समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है, वो भी लाना आवश्यक है। समय बदल रहा है, समय के साथ जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो कोई टेंशन नहीं था, एक दूरदर्शन चलता था दिल्ली में सुबह शाम को 6 से 10 बजे तक, केवल 4 अखबार आया करते थे। अब जो है पता नहीं 500 अखबार हैं, पता नहीं 500 टेलीविजन चैनल्स हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपका जो एक्सपोजर है, आपको जो जानकारी आपके क्षेत्र में हो रही है, उड़ीसा में हो रही है, देश में, सारी दुनिया की जानकारी आपको जो है वो उसी रूप में मिल जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सब कुछ पता चल रहा है कि बॉम्बे में क्या हो रहा है, वॉशिंगटन में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे समय में ऐसी बात है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे समय में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, नौजवान हो रहे हैं, जबकि देश में परिवर्तन हो चुका है। तो अपने आप को देश के परिवर्तन के साथ अपने आप में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो इसी से एक दो चीज से थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ। शास्त्री जी की जो प्रैक्टिकल अप्रोच था, गीता जी मैं आप सब बैठे हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं जो बता रहा हूँ, लेकिन शास्त्री जी देखिए 1965 में कितने वो प्रैक्टिकल हैं। देखिए ऐसा हुआ कि मैं इस समय सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ता था, आप लोगों ने देखा सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली का कॉलेज में पढ़ा जाता, तो पहले साल में ही था, 6 महीने 3 महीने के बाद शास्त्री का निधन हो गया था। तो सिविल कॉलेज में उस समय कोई एजुकेशन नहीं था, केवल बॉयज स्कूल था, अब तो कैटोइड हो गया है, बॉयज अंदर लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं वहाँ पर चार चार में, और केवल था। तब ये सवाल एक है कि अब हम लोगों का जो मिलना पड़ होता था किसी छात्राओं से लड़कियों से, तो मैं गंगा कॉलेज में है जो लड़की और कॉलेज में वहाँ चले जाते थे टहलते टहलते, और वो लड़कियाँ भी आ जाती थी सेंट स्टीफन्स कॉलेज में, लोग किसी से हम लोग से मिलना होता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 5-6 लड़कियाँ बेरंगा कॉलेज की, बेरंगा कॉलेज दिल्ली का बहुत बड़ा लड़कियों का कॉलेज है, वो मिलने जो है प्रधानमंत्री निवास आ गए। मेरे पास फोन आए रिसेप्शन से कि आपसे 5-6 लड़कियाँ मिल जाएंगी, मेरी आपकी फ्रेंड है। तो मैं घबरा गया परेशान, और उसी समय मेरे पिता का ऑफिस आने का समय था, उसने मुझे और नर्वस कर दिया कि मेरे पिता क्या कि मैं बहुत काम सरकार लगेगी मुझे,
कि तुम घर पर खड़े अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाते हो। तो उसके बाद आगे साथी जी ने वहाँ गाड़ी रोकी, पूछा भाई ये कौन कौन से लड़कियाँ। मैंने कह दिया उनसे कह दो हम घर पर नहीं। उसके बाद जो है साथी जी ने उनसे काम बनकर बताया और फिर आपको उससे पूछा कि भाई कुछ फ्रेंड्स आई हैं आपके यहाँ, तो कहाँ छुपे पड़े। मैं कमरे में जाकर छुप गया। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने आपके आस पास घूमने जाने। मैंने इसमें डांटने कोई बात नहीं है, पहली बात तो आपके घर को आया है और आप इस तरह के आप अपने अतिथियों का स्वागत नहीं कर सकते, उनसे मिलिए। और फिर उसके बाद जो है उनको कहा कि उनको खाना खिलाइए, मतलब मुझे एनकरेज किया, मुझे उन्होंने एनकरेज किया कि भाई ऐसा है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब 1965 में मतलब उन्होंने इतना एक प्रैक्टिकल अप्रोच उन्होंने रखा कि और तो पिता होता तो कहता भी क्या मतलब पढ़ाई नहीं करते तुम्हारे घर में फ्रेंड्स आते हैं। तो साथी जी वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन और वो समय के साथ अपने आप को बदलते रहते थे। तो दिस ईयर टू रिमेम्बर की चेंजिंग विद टाइम यू हैव टू बी अपने आप को समय कर। और जैसा मैंने कहा कि इसमें एक चीज तो बहुत जरूरी है, जो भी काम आप करें पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरी कटिबद्धता के साथ करें, पैशन के साथ करें। अगर आप ईमानदारी और कमिटमेंट और पैशन के साथ कोई भी आप कार्य अपने हाथ में लेकर तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जहाँ तक बात हमारे देश की है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अभी हाल में मैं और मेरी पत्नी मंजू शास्त्री अमेरिका गए थे, कैनेडा भी गए थे, 20-25 जो हम लोग वहाँ रहे। और मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जिसका नाम जॉन कैनेडी एयरपोर्ट है, नोएडा में राष्ट्रपति, तो वहाँ पे जब हम लोग फिर देखा कि ऊपर से पानी छू रहा था छत पे से। और जब उसकी तुलना मैं करता हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट से या मुंबई के एयरपोर्ट से, कलकत्ता या चेन्नई के एयरपोर्ट से, तो कोई कंपेरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। इस बात का मुझे गर्व हुआ कि हमारे देश के जो एयरपोर्ट हैं वो कहीं ज़्यादा अमेरिका के एयरपोर्ट से अच्छे हैं और उनके एयरपोर्ट बहुत छोटे हैं। यहाँ तक कि जब मैं राजपुरा में उतरा तो मैंने मनीष से कहा कि है छोटा सा एयरपोर्ट लेकिन बहुत अच्छी तरह बना है, बहुत सुंदर बना है। तो आपको एक बहुत बड़ा ही फायदा है कि देश बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है और आपका जो इंडियंस है उनका बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। मैं आपको किस्सा बताना चाहता हूँ। हम लोग लंदन गए थे, तो लंदन कहते हैं तो वहाँ पे करीब 10:30 बजे हम लोग जो होटल लौटे तो एक हमें पानी की आवश्यकता थी, क्योंकि होटल में आप फॉरन एक्सचेंज कम होता है, डॉलर कम होते हैं आपके पास, तो होटल में महंगा पड़ता है पानी लेना या दूध लेना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाजार से थोड़ा दूध खरीद लेते हैं और पानी खरीद लेते हैं, मिनरल वाटर। तो दुकानें सब बंद हो गई, तो एक दुकान उसका शटर आधा बंद था। तो मुझसे कहा इंग्लिश में बात हुई, मॉन्ट सम वाटर तो उल्टा दिया। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, हम देख नहीं रहे हैं, हमने शटर हाफ डाउन किया हुआ, हम बंद कर देता है 10 बजे, हम लोग 9 बजे बंद कर 8-10 बजे फिर निकले कि फिर नहीं माने। तो उसने कहीं कर देखा, नहीं तो देखा उसने कहा चाची ठीक बने सर खोल दिया। तो उसने कहा कि क्या चाहिए आपको, इसारी सारा वार्तालाप अंग्रेजी में हो रहा था। मैंने कहा कि वो भी मन पहले कहा कि मुझे पानी चाहिए दो बोतल और एक टेट्रा पैक चाहिए और दिया, तो पेमेंट करी। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप ये नहीं पूछेंगे मैं मत बोलो शर्ट रखते हो, हमने शर्ट खोल दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने मुझे नहीं पता क्यों खोल दिया। मैंने कहा कि हो सकता है कि आपको मेरी पत्नी की शक्ल बड़ी अच्छी लगे, वो शायद इसलिए खोल दिया।
तो मैंने इसलिए नहीं बोला, मैं कोट पहना था, कोट में मैं अधिकतर मैं अपने भारत अपने देश का झंडा अपने यहाँ कॉलर पर लगाता हूँ, हाथ नहीं लगाया लेकिन ऐसे मैं लगाता हूँ, कल लगाया था, मैंने अगर बुद्धि को नोटिस किया हूँ। तो उसने कहा कि ये जो आपका झंडा है आपके कोट पे, इसके वजह से उसको सम्मान देने की वजह से मैंने छत्र के रूप में बोला है। तो मुझे इतना गर्व है, मैं आप लोग से भी कहता हूँ कि आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इस धरती में हुआ है, जिसने बड़े बड़े योगदान बड़े बड़े महंतों को बैठा दिया, स्वामी विवेकानंद से लेकर आप किसी को नहीं, महात्मा गांधी होंगे, कितने लोगों को देखे, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर जन्म हुए हैं। मैंने एक चीज और नोटिस करी, राजेश जी ने और नोटिस करी, विदेश गए तो जॉन कैनेडी, जॉन कैनेडी जो बहुत बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये स्टैचू होती है प्रतिमा स्टैचू, तो मैंने अमेरिका में एक दो जगह देखी, हम तो कम से कम 40-50 का रोज जाते हैं, पर मैंने जॉन कैनेडी की प्रतिमा किसी और देश में नहीं देखी। जॉर्ज वाशिंगटन भी बहुत बड़े राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बहुत बड़े राष्ट्रपति थे, उनकी भी मैंने स्टैचू उनकी प्रतिमा अमेरिका के बाहर कहीं देखी। और ये एक और हैं विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हुआ, उनकी भी प्रतिमा मैंने इंग्लैंड के बाहर कहीं देखी थी, लेकिन मैंने ये देखा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा अमेरिका के राष्ट्रपति, आज अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क है, जापान की राजधानी टोक्यो में है, रूस की राजधानी मॉस्को में है, और यहाँ पर दीना निवेदों को महात्मा गांधी ने देश से बाहर निकाला, उनकी राजधानी लंदन में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी, उनकी भी वहां स्टैचू है। इस बात का अनेक लाल बहादुर शास्त्री जी जब 1.5 वर्ष के प्रधानमंत्री, उनकी प्रतिमा भी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में लगी हुई है, हंगरी की राजधानी प्राग में भी लगी। ये ऐसे देश में पैदा हुआ, ऐसी धरती में पैदा हुआ है, जिन्होंने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात और मैं साथी जी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सारा कार्यक्रम जो है वो साथी जी बताते तो मैं से कह रही तक सारा कार्यक्रम एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जो मेरे मेरे पिता के बीच में थी वो प्रधानमंत्री हो गए, उसमें मेरी उम्र 16 वर्ष की थी, और मैंने चुपचाप जो है कार चलाना सीख लिया। उस समय रोड पर जहाँ लोग रहते थे ज़्यादा टाइम होता नहीं था, गाड़ी निकाल के पिताजी वापिस चले जाते थे, मेरी माँ जो है वो आराम आराम करती थी, ऐसा ऐसी मौका मिलता था, मैं निकाल के रात चला सीख गया। गाड़ी चलाना सीखने के बाद हुआ ये कि मेरे मन में आया कि अब मुझे लाइसेंस होना चाहिए मेरे पास, तो छात्री जी के निजी सचिव थे कैलाश नारायण, हमने कैलाश नौ बुला दी तुमको, हमने कहा कैलाश नौ को कहता है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, चलाना आता है गाड़ी में आता है अच्छी तरह से, उसके बाद जो है 1.5 घंटे में लाइसेंस आ गया, 1.5 घंटे में लाइसेंस आ गया, तो कोई ट्रायल वगैरह हुआ तो ट्रायल वगैरह नहीं हुआ तो फिर कैसे करें, लाइसेंस तो आ गया मेरे पास, बड़ा खुश मुझे खुशी ये बात भी हुई कि मैं 18 वर्ष का नहीं हूँ उसके बावजूद मेरे पास लाइसेंस आ गया। इस बात की ड्राइविंग लाइसेंस पाने की खुशी से ज़्यादा इस बात की कि मैं 18 वर्ष का नहीं हूँ, मैंने वो लाइसेंस रखा, मैंने कहा मैं साथी जी को बताऊँगा और वो बड़े बुरे खुश होंगे कि भाई बेटे के पास लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो फिर मैंने इंतजार किया, 10:30 हो गया, 11 बजे ऐसा, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा क्या बात है कर स्कूल नहीं है क्या, मैंने तो स्कूल रहने आपको दिखाना था, दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद उन्होंने जो है लाइसेंस दिखाया था, तो गंभीर हो गए, गंभीर होने के बाद मैंने कहा क्या आपको
कि मेरे पास लाइसेंस है। तो मैंने कहा कि आपकी उम्र तो 18 वर्ष है नहीं। तो मैंने कहा 18 वर्ष नहीं है, लाइसेंस कैसे मिला आपको? मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ इसलिए मिल गया। तो इस पर साथी जी ने कहा कि मुझे इसी बात का कष्ट, इसी बात की तकलीफ, इसी बात का दुख है कि प्रधानमंत्री के बेटे ने प्रधानमंत्री निवास के पार्टर ने हमारे देश के कानून का उल्लंघन किया है। मैं यहाँ दिन रात कानून बनाता हूँ और देशवासियों का आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ इन कानून का पालन करें। और मेरा अपना बेटा प्रधानमंत्री का बेटा देश के कानून का उल्लंघन करता है। और मैं फिर मेरे आगे आंसू है। एक तो तरीका उन्होंने समझाया कि ये गलत काम है, आपने देखा कि जब वो साथी निधन हुआ तो उनके कार का लोन बाकी था, साथी भी कई बार हम लोग कहते थे पिताजी से कहते थे कि आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन आज तक अपने परिवार बच्चों की हमने कार नहीं लगाई। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा बच्चों की बहुत जैसे मांग है और उनके लिए अंतिम स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने कहा मुझे कार दे। उन्होंने अपने एक दूसरे सचिव से रहकर कानून उनको बुलाया, उनसे कहा कि भाई गाड़ी खरीद लीजिए, कितने की है? फिर गाड़ी का 12,000 युवा करते तो 12,000 युवा करती थी। तो उनके सचिव ने कहा कि आपको बैंक केवल 7,000 है। तो उन्होंने ठीक है 5,000 रुपये का लोन है, पंजाब नेशनल बैंक से लोन है, पासबुक जो वहाँ संग्रहालय में रखा है, 5,000 रुपये का लोन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लिया था। और वो आधे घंटे में तो लोन सैंक्शन हो गया। तो बैंक कानून से साथी जी ने कहा कि भैया उस पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को बुलवाओ जिसने मेरे आधे घंटे में लोन सैंक्शन किया। मैनेजर बड़ा खुश हुआ कि प्रधानमंत्री ने बुलाया है, मुझे शाबाशी देंगे सर, प्रमोशन भी देते कि आधे घंटे में लोन जो है आपने सैंक्शन कर दिया मेरा। वो अपना सूट वगैरह पहन के टाई लगाता नहीं तो उसने टाई भी लगाई, गर्मी का दिन था लेकिन टाई लगा के वो पहुँच गया वहाँ। साथी जी से मिले, साथी जी मिले तो उन्होंने कहा कि मैं ना तो आपको शाबाशी दूंगा ना आपके पिछले पढ़ाऊंगा, मैं आपको शाबाशी प्रमोशन उस दिन दूंगा जितना किसी साधारण सरकारी कर्मचारी का लोन आधे घंटे में पास कर दे। आपने प्रधानमंत्री का लोन आधे घंटे में पास किया तो बहुत बड़ा आपका। तो ये सब बातें हैं जो हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। इंपीरियल कॉलेज का इम्प्रेशन तो मुझ पर बहुत अच्छा पड़ा है। मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, आपके कॉलेज का और आपके स्टूडेंट का इम्प्रेशन तो कॉलेज से ज़्यादा अच्छा पड़ा। मुझे आपको विश्वास हो गया कि कॉलेज का जो इम्प्रेशन है, कॉलेज जो इतना अच्छा बना हुआ है वो मैनेजमेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज बना है और स्टूडेंट्स को बना है। और इसी संदर्भ में मैं एक घोषणा भी करना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी घोषणा है। यहाँ छात्र छात्राएं जो हैं उसमें कृपया करके हाथ खड़ा करें जो हिंदी कभी गए है दिल्ली कभी बीन टू दिल्ली। आप लोगों में से कोई कोई स्टूडेंट दिल्ली के हैं? ये तो हो नहीं सकता, कोई भी है ये तो हो नहीं सकता। तुम गई हो कब गई थी? और कोई नहीं गया दिल्ली तो दीपक गई, दीपक बोल दी। मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर शास्त्री जी की जयंती होती है, शास्त्री जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है। वो जो कुछ कार्यक्रम होते हैं लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय पर शाम को भजन का कार्यक्रम होता है, आते हैं पंकजदास आते हैं और जो बड़े बड़े अच्छे कार्यक्रम होते हैं। और सुबह विजय घाट पर जो साथी की समाधि है वहाँ पर जो भजन का कार्यक्रम होता है, वहाँ पर सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया सभी लोग आते हैं। तो मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली से 6 बच्चों को हम आमंत्रित करते हैं 2 अक्टूबर को। उनके आने जाने का रेलवे का 3 टियर का किराया
उनके 3 दिन की वहां ठहरने की व्यवस्था और लोग को घूमने की व्यवस्था सब हम करेंगे। आपके साथ एक फैकल्टी भी अलग रहेगी और मैं चाहूंगा कि 6 छात्र आएंगे उसमें छात्राएं भी हों और केवल लड़के और लड़कियां भी हों। ज्यादा अच्छा रहेगा। भी मैंने साक्षी जी की बात आपको बताई तो हमारे कॉलेज की विद्यार्थी तो लड़कियां भी साथ में जोड़ लेंगे तो वापस खर्चा मिलना चाहिए। तो हम पूरा खर्चा इसको उठाएंगे। आप वहाँ पे आएंगे, आप रहेंगे 3 दिन 4 दिन जितना भी हो सकेगा उसका सारा हम वहाँ पे ठहरने का इंतजाम करेंगे और जो फंक्शन जो है उसका आपको निमंत्रण रहेगा। आप उस फंक्शन में आप शामिल हों और मैं इसलिए आपको दिल्ली घुमाने के लिए नहीं बुला रहा, मैं आपको बुला रहा हूँ कि आप संग्रहालय देखें लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिससे कि उनके जीवन से आपने जितना यहाँ प्रदर्शित किया है उसके अलावा भी आप बहुत कुछ उनके जीवन से सीख सकें और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि विजय घाट पर आप उनकी श्रद्धांजलि दे सकें, अर्पित कर सकें। इसलिए मैं वहाँ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ गीता जी को, रघुवीर जी को और संजीव अग्रवाल जी को, दीपक गोयल जी को, सचिव जी सब लोग सबके नाम तो सबका भी समय लग जाएगा, लेकिन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने आमंत्रित किया, बच्चों को मैं खासतौर से बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया वो बहुत ही ऊंचे स्तर का कार्यक्रम था और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।